सजनों, किसी समय चंद्रगढ़ शहर में राजा चंद्रभान राज करते थे। उनके घर में नौकर चाकर धन दौलत कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कमी थी तो एक संतान की थी। इस दुख में राजा रानी और सारी प्रजा चिंता में डूब गई। रानी सुंदरा और राजा चंद्रभान जब बूढ़े हो जाते हैं, एक दफा दरबार में एक साधु आया और राजा को साधु उसकी चिंता का कारण पूछने लग गया। तो राजा हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहने लग गया, सारी खोल सुना दूं बाबा, सुनियो धर के ध्यान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। सारी खोल सुना दूं बाबा, सुनियो धर के ध्यान। राजा रानी राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। तारी खोल सुना दूं बाबा, सुनिए धर के ध्यान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। ओ राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। मैल में दिखे घोर अंधेरा, अब कैसे होगा जीना मेरा। ओ कैसे होगा जीना मेरा। दिख को ना कुआ जेरा, जिसमें झोंकू ज्ञान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। कद होगी इच्छा पूरी मेरी। ओ कद हो इच्छा पूरी मेरी। प्रजा दुख पावेगी मेरी, दया करो भगवान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। ओ सारी सुना दूं बाबा, सुनियो धर के ध्यान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। मिलती कोन्या मन दवाई, राम की देता फिरूं दुहाई। ओ राम की देता फिरूं दुहाई। ईश्वर मेरी करो सहाई, पूरे हो अरमान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। सारी खोल सुना दूं बाबा, सुनियो धर के ध्यान। राजा रानी भाग लिखा से हीना, जग में प्रथा मेरा जीना। ओ जग में प्रथा मेरा जीना। सब्र का प्याला पीना से तेर सुने भगवान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। सारी खोल सुना दूं बाबा, सुनियो धर के ध्यान। राजा रानी बूढ़े हो गए, हुई नहीं संतान। सारी खोल सुना दूं बाबा।
जतन बनावो डूबी नैया ने पार लगाओ ओ डूबती नैया पार लगाओ मरते हुए ने तुरंत बचाओ मानूंगा ऐसा राजा रानी बूटे हो गए नहीं संतान राजा रानी सजनों जब राजा हाथ जोड़ करके उस साधु को अपना दुख बताता है साधु ने महात्मा के अस्त्र का देख करके कहा कि राजा आपके जल्दी एक संतान होने वाली है लेकिन वो खराब नक्षत्र में जन्म लेगा इसलिए उसको 12 साल तक भंवरे में बंद रखना होगा और तुम राजा रानी उससे दूर रहना 12 साल बाद में उसको ही राजकाज सौंप देना। इतना कहकर के साधु अलोप हो जाता है। कुछ दिन बाद में सजनों राजा के एक लड़का जन्मता है। सारी नगरी में खुशी मनाई बधाई बांटी राजा ने जी खोल करके दान किया दरबार में नाच और गाना किया गया। हे जगदाता भाग विदाता तू ही जगत रचैया है हे जगदाता भाग विदाता तू ही जगत रचैया है हे जगदाता भाग विदाता तू ही जगत रचैया है। आज हमारे राजा के घर जन्म कृष्ण कन्हैया फूले
सज्जनों, राजा के जब संतान जन्म लेती है, राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को इकट्ठा किया, पंडितों ने उसके जन्म नक्षत्र से उसका नाम पद्म कुमार रख दिया। उसका पालन पोषण विद्या का इंतजाम अलग भंवरे में करवा दिया। निर्भाग पद्म अपनी माँ को माँ नहीं कह सका, ना उसकी गोद में खेल सका, और माँ ने भी अपने पुत्र का मुंह नहीं देखा। बिना माँ के पद्म भंवरे में रहते हुए 6 साल का हो गया। कुछ दिन बाद में सुंदरा रानी पद्म की जो माता थी बीमार हो गई, तो रानी को पड़ी पड़ी को अपने मन में एक ख्याल होता है, अगर तू मर गई तो राजा दूसरी शादी करेगा, तेरा पद्म का क्या हाल होगा। तो रानी हाथ जोड़ करके अपने पति राजा चंद्रभान से कहने लगी, अरे हाथ जोड़ के कहूं पिया जी, मेरा कहन पुगइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना। ओ हाथ जोड़ के कहूं पिया जी, मेरा कहन पुगइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, मत ना ब्याह के लइए ना रे, मत ना ब्याह के लइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, ओ मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना। मौसी कारण धुरु भगत भी बियाबान आया, बोली मारी थी मौसी ने सुन के जलगी काया, बोली मारी थी मौसी ने सुन के जलगी काया, फिर भटकता दिया बान मर भूखा और तिसाया, रस्ते में नारद जी मिल गए मुनि ने भेद बताया, रस्ते में नारद जी मिल गए पदम ने मत ना तंग करवाइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना। ओ हाथ जोड़ के कहूं पिया जी, मेरा कहन पुगइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, रानी सुंदरा अपने पति चंद्रभान राजा से कहने लगी कि मौसी के कारण ध्रुव भगत भी दर्दरों की ठोकर खाई थी, और मौसी के कारण रूप बसंत की माता मर गिर शोक दूसरी आई, झूठा सिर पे दोष लगाया जरा नहीं शर्माई, झूठा सिर पे दोष लगाया जरा नहीं शर्माई, दोनों भाई चाल पड़े थर बियाबान की राही, न्यारे न्यारे फिरे भटकते चढ़ के सिर कर डाई, न्यारे न्यारे फिरे भटकते चढ़ के सिर कर डाई, मौसी काली नागन हो सर मत ना तू डसवाइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना। ओ हाथ जोड़ के कहूं पिया जी, मेरा कहन पुगइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना, मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत ना ब्याह के लइए ना। पूरन मल मौसी के दौरे करण नमस्ते आया, नीति बिगड़गी उस पापन की झूठा दोष
हाथ पाव फिर हुए में गिरवाया। ईश्वर की हुई लहर मैर जब गोरख आन बचाया। ईश्वर की हुई लहर मैर जब गोरख आन बचाया। पूरन मल की तरह लाल ने मत न तंग करवाइये ना। मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत न ब्याह के लइये ना। मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत न ब्याह के लइये ना। ओ हाँ जोड़ के कहूं पिया जी मेरा कहन पुगइये ना। मैं मर जाऊं तो शोक दूसरी मत न ब्याह के लइये ना। सजनों ईश्वर की मर्जी। कुछ समय बाद में रानी सुंदरा अधिक बीमार होने के कारण मर जाती है। अब राजा चंद्रभान रानी को मरने के बाद में अकेलापन महसूस करने लग गया। पड़ोस में एक छोटी रियासत का राजा प्रताप सिंह था। उसकी एक लड़की विद्यावती नाम की, उसके साथ में राजा चंद्रभान अपनी शादी कर लेता है। रानी विद्यावती जब ब्याही हुई घर में आती है राजा के, और विद्यावती को यह पता चलता है कि पहली रानी का लड़का पदम जो भंवरे के अंदर है, और 12 साल का होते ही राज और ताज का हकदार वो होगा। तो रानी विचार करती है कि तेरे होने वाली संतान जिनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। तो रानी एक जल्लाद से मिलती, जल्लाद को धन का लालच देती है और मौत की धमकी देती है। कहने लगी सुनता जा जल्लाद के छोरे मन की बात बताऊं। पद्म सेन की कत्ल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊं। मुखड़ा देख्या जाऊं। सुनता जा जल्लाद के छोरे मन की बात बताऊं। पद्म सेन की कत्ल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊं। मुखड़ा देख्या जाऊं। मेरे गल का तू अपने घर को ले जाना। नाड़ काट के पद्म कमर की दोनों आंखें ले आना। दोनों आंखें ले आना। मेरा कहना ना माने तो सूली के चढ़वाऊं। पद्म सेन की कत्ल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊं। मुखड़ा देख्या जाऊं। सुनता जा जल्लाद के छोरे मन की बात बताऊं। मैं पद्म सेन की कत्ल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊं। मैं मुखड़ा देख्या जाऊं। मैं एक कटोरा ले जा संग में खून का उसे भर लाना। धन दौलत की जरूरत हो तो वापस आकर ले जाना। वापस आकर ले जाना। मन का साया कर दूंगी रे अपना वचन निभाऊं। मैं पद्म सेन की कत्ल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊं। मैं मुखड़ा देख्या जाऊं। छिपते ही चल दे मत कर ज्यादा देरी। मेरी शोक का जाया सेना घर में इज्जत मेरी रे। घर में इज्जत मेरी। इतना सा कर
काम मेरा तू जिंदगी भर गुण गाऊ पदम सेन की कतल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊ मुखड़ा देख्या जाऊ सुनता जा जल्लाद के छोरे मन की बात भी बताऊ पदम सेन की कतल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊ मुखड़ा देखा जाऊ मुखड़ा देख्या ना जाऊ मैं मुखड़ा ना देख्या जाऊ पदम सेन की कतल बना देना मुखड़ा देख्या जाऊ मैं मुखड़ा देख्या जाऊ सजनो रानी विद्यावती जल्लाद को मौत की धमकी और धन का लालच जब देती है जल्लाद रानी को वचन देता है कि रानी साहब मेरा 10 मिनट का काम है चिंता क्यों करते हो। वचन देकर के जल्लाद जब भंवरे में गया पदम दासी से खाना खा रहा था जल्लाद ने पदम को अपने साथ में ले लिया और भंवरे से बाहर ला करके उसके हाथ मुंह बांध करके जंगल में ले गया। सजनों जब जल्लाद तलवार से पदम पर वार करने लगा जल्लाद के हाथ रुक गए। कानों में जल्लाद की आवाज होती है इस बच्चे पर दया कर इसने तेरा क्या बिगाड़ा था। जल्लाद पदम को उसी भक्त जिंदा छोड़ देता है और एक मृग की आंख और खून का कटोरा ले जाकर के रानी विद्यावती को दे देता है। अब 8 वर्ष का पदम जंगल में भटकता भटकता एक साधु के आश्रम पर चला जाता है। साधु का ध्यान भंग हो गया। पूछने लगा बेटे तू कौन है जंगल में कैसे घूमता है। तो पदम हाथ जोड़ करके उस महात्मा को अपनी राम कहानी कहने लगा। अरे सुनता जा महाराज सुनाऊं अपनी राम कहानी कर्महीन मानस ने होसे जग में विपता ठाणी कर्महीन मानस ने होसे जग में विपता ठाणी ओ सुनता जा महाराज सुनाऊ मैं अपनी राम कहानी कर्महीन मानस ने होसे जग में विपता ठाणी चंद्रभान पिता थे मेरे सुंदरा थी महतारी रजपूताना चंद्रगढ़ में रजधानी से मारी रजपूताना चंद्रगढ़ में रजधानी से मारी मेरे पिता हैं बड़े बहादुर बहुत बड़े बलकारी हुई नहीं औलाद महल में दुख में प्रजा सारी हुई नहीं औलाद महल में दुख में प्रजा सारी कर्म के अनुसार जगत मर मिलता दाना पानी कर्महीन मानस ने हो से जग में विपदा ठानी कर्महीन मानस ने हो से जग में विपदा ठानी ओ सुनता जा महाराज अपनी राम कहानी कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठाणी कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठाणी। वो बालक उस महात्मा से हाथ जोड़ करके कहने लगा चंद्रभान पिता जो चंद्रगढ़ के रहने वाले सुंदरा मेरी महतारी एक महात्मा एक दफा मेरे पिता के दरबार में आया था। क्यों मेरा पिता संतानहीन था। तो राजकुमार कहने लगा एक रोज एक साधु बाबा दरबारों में आया मेरे पिता ने उस साधु को सारा हाल
पिता ने उस साधु को सारा हाल सुनाया। राजा बोला मेरे पिता से क्यों मन में घबराया, बेटा हो सुंदरा रानी करे हो जा मन का छाया, बेटा हो सुंदरा रानी के हो जा मन का छाया। सुख दुख को ना एक जगत मया समय आवनी जानी, कर्महीन मानस ने हो से जग में विपदा ठानी, कर्महीन मानस ने हो से जग में विपदा ठानी। रात शिखर से ढलगी हुआ पहर का तड़का, चंद्रगढ़ के रंग महलों में, चंद्रगढ़ के रंग महलों में पैदा हो गया लड़का, चंद्रगढ़ के रंग महलों में पैदा हो गया लड़का। चिंता हर ली परमेश्वर नर दिल का मिट गया धड़का, नर नारी सब खुशी मनावे हुआ भूप के लड़का, नर नारी सब खुशी मनावे हुआ भूप के लड़का। बमरे अंदर डाल दिया कुछ मेरे कर्म की हानि, कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठानी, कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठानी। ओ सुनता जा महाराज सुनाऊं मैं अपने राम कहानी, मानस ने होते जग में विपदा ठानी, आ कर्महीन मानस ने होते जग में विपदा ठानी। तो पद्म कुमार उस महात्मा जी से कहने लग्या, आदि रात शिखर से ढलगी हुआ फेर का तड़का, चंद्रगढ़ के रंग महलों में पैदा हो गया लड़का, महात्मा जी जब मेरा जन्म हुआ था, चिंता हर ली परमेश्वर ने दिल का मिट गया धड़का, नर नारी सब खुशी मना में हुआ भूप के लड़का। लेकिन मेरे को भौरे में बंद कर दिया, अरे कुछ दिन पीछे मेरी माता सुंदरा सुरग सिदारी, कौन बंधावे धीर दुखी ने पड़गी विपता भारी, कौन बंधावे धीर दुखी ने पड़गी विपदा भारी। बिन माँ के मैं फिरू अकेला हर की लीला नारी, कौन माने लाड लडाया वो चली गई बिचारी, कौन माने लाड लडाया वो चली गई बिचारी। मेरे पिता ने जुल्म किया वो लाया दूधी रानी, कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठानी, कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठानी। ओ सुनता जा महाराज सुनाऊ मैं अपने राम कहानी, कर्महीन मानस ने होसे जग में विपदा ठानी, आ कर्महीन मानस ने होसे जग में। सजनों पद्म कुमार ने हाथ जोड़ करके अपनी बीती राम का कहानी उस महात्मा को कह सुनाई, उस नन्हे से बालक पर महात्मा को दया आती है और कहने लगे, बेटे खेल कूद खा पी और विद्या पढ़। लेकिन सजनों ईश्वर की मर्जी, कुछ दिन बाद में वो महात्मा भी स्वर्ग सिधार जाता है। अब पद्म अकेला हो गया, लेकिन पद्म एक गऊ की सेवा करता था, विद्या पढ़ता था और ईश्वर के भजन भी किया करता था। एक रोज पद्म कुमार शिकार खेलने के लिए निकल जाता है, शिकार कोई मिलती नहीं है, जंगल में रास्ता भूल करके भटक जाता है। अब पद्म कुमार चलता चलता चंद्रगढ़ के राजा इंद्रजीत के एक जनाने बाग में पहुंच जाता है, लेकिन राजा इंद्रजीत के जनाने बाग में पद्म कुमार विश्राम कर रहा था। एक मालन आकर के जनाने बाग में अनजान पुरुष को देख करके शोर मचा देती है और झूठा इज्जत का दोष लगा करके पुलिस को पकड़वा देती है। पुलिस
पद्म कुमार को पकड़ लेती है, राजा इंद्रजीत के सामने पेश करती है। राजा इंद्रजीत उस अनजान पुरुष को देख करके विचार करता है कि कोई जासूसी दुश्मन हो सकता है। तो राजा इंद्रजीत पद्म कुमार की फांसी का हुक्म दे देता है कि ये जिंदा नहीं जाना चाहिए, इसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। तो जल्लाद पद्म कुमार को फांसी देने के लिए जब फांसी के फंदे की तरफ ले जाते हैं तो पद्म ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं एक निर्दोषी निरअपराधी जिसको आज मौत की सजा हो रही है, अगर तू सच्चे का साथी है तो मेरी रक्षा जरूर करना। मेरी लाज रखो बनवारी, मैं दुखिया शरण में तिहारी। मेरी लाज रखो बनवारी, मैं दुखिया शरण में तिहारी। मेरी लाज रखो बनवारी, मैं दुखिया शरण में तिहारी। मेरी लाज रखो बनवारी, मैं दुखिया शरण में तिहारी। मेरी लाज रखो बनवारी, मैं दुखिया शरण में तिहारी। ना कोई Yeah.
सजनों, भजन का प्रताप इंसान को भीड़ पड़ी में काम आता है। जब पद्म कुमार की यानी राजा इंद्रजीत पद्म कुमार की फांसी का हुक्म दे देता है, जल्लाद जब पद्म कुमार की फांसी की डोरी खींचने लगे, तो ही राजा इंद्रजीत की एक जवान लड़की रत्नाबाई को सांप काट जाता है। महलों में हाहाकार मच गया, फांसी रोक दी जाती है। राजा इंद्रजीत सब वैद्यों को इकट्ठा करता है और कहने लगा कि जो मेरी बेटी को जिंदी कर देगा उसको आधा राज देकर मेरी लड़की की शादी उसी के साथ में कर दूंगा। लेकिन वैद्य सब इनकार हो जाते हैं, महाराज अब ये जिंदी नहीं हो सकती, क्यों? जहर ने पूरे शरीर में अपना प्रभाव जमा लिया। पद्म कुमार कहने लगा, महाराज इस लड़की को जिंदी मैं कर सकता हूं, क्यों? पद्म ने महात्मा के आश्रम में रह करके जहर को नष्ट करने की विधि महात्मा से सीख रखी थी। राजा अंदर जाने की इजाजत दे देता है। पद्म कुमार अंदर जाकर के रत्ना के शरीर में जो विष था अपनी योग क्रिया से विष को नष्ट कर देता है। रत्नाबाई जिंदी हो जाती है। अब रत्ना क्षत्रिय के वेश में पद्म कुमार को देखती है। सुंदर शान सलोना रूप जवान उम्र पर रत्ना मोहित होकर के पद्म कुमार के शरणों में गिर जाती है। कहने लगी, अरे राज कमर तेरे पांव पड़ू तने, जान बचा दी मेरी रे, बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की चेरी। ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की चेरी रे। ओ राज कमर तेरे पांव पड़ू तने, जान बचा दी मेरी रे। राज कमर तेरे पांव पड़ू तने, जान बचा दी मेरी रे। बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की तेरी। ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की तेरी। राज कमर तेरे पांव पड़ू, जान बचा दी मेरी रे। बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की चेरी। ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की तेरी। एक बात मैं कहूं गोन, एक बात मैं कहूं तेरे को, मत करिए इनकार कती रे, मत करिए इनकार कती। हाँ एक बात मैं कहूँ तेरे को, मत करिए इनकार कती, मत करिए इनकार कती। मैं तेरी रानी बनी आज से, तू है मेरा प्राणपति रे, तू है मेरा प्राणपति। हाँ मैं तेरी रानी बनी आज से, तू है मेरा प्राणपति। मेरी बात को ना मानी तो हो जा डूबा डेरी रे। मेरी बात को ना मानी तो हो जा डूबा डेरी रे। बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की चेरी। ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं रहूं चरण की चेरी रे। ओ राजकुमार तेरे पांव पड़ू तने, जान बचा दी। जिंदगानी मेरी जोड़ी के भर तार बिना रे, जोड़ी के भर तार बिना। हाँ झूठी है जिंदगानी मेरी जोड़ी के भर तार बिना, जोड़ी के भर तार बिना। बिन फुलवारी क्यारी सुनी, सुना माली बाग बिना रे, सुना माली बाग बिना। हाँ बिन फुलवारी क्यारी सुनी,
वागे बिना सुना माली वागे बिना बहुत घना धन माल मिलेगा मैं तो दासी तेरी रे बहुत घना धन माल मिलेगा मैं तो दासी तेरी रे बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की चेरी ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की चेरी रे राजकुमार तेरे पाँव पड़ू तने जान बचा दी मेरी हो राजकुमार तेरे पाँव पड़ू तने जान बचा दी मेरी रे बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की तेरी हो बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की तेरी तू मेरा राजा मैं तेरी रानी मन में घबराता है रे क्यों मन में घबराता है हाँ तू मेरा राजा मैं तेरी रानी क्यों मन में घबराता है क्यों मन में घबराता है कर्म के अनुसार जगत में ईश्वर मेल मिलाता है रे ईश्वर मेल मिलाता है कर्मों के अनुसार जगत में ईश्वर मेल मिलाता है सुना प्यार बिना जैसे होती रात अंधेरी रे जीवन सुना प्यार बिना जैसे होती रात अंधेरी रे बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की चेरी ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की चेरी रे ओ राजकुमार तेरे पाँव पड़ू तने जान बचा हरदम तेरी सेवा करसू बोलू मीठी बाणी रे बोलू मीठी बाणी रे हरदम तेरी सेवा करसू बोलू मीठी बाणी हो बोलू मीठी बाणी रहो मजे से रंग महल में मैं राजा तू रानी रे मैं राजा तू रानी रहो मजे से महल में तू राजा मैं रानी रे तू राजा मैं रानी हाँ रहो मजे से रंग महल में तू राजा मैं रानी ओ तू राजा मैं रानी कौन लगावे पार तेरे बिन ना भंवर से मेरी रे कौन लगावे पार तेरे बिन ना भंवर से मेरी रे बहुत बड़ा प्रभु चरण की चेरी ओ बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की चेरी ओ राजकुमार तेरे पाँव पड़ू तने जान बचा दी मेरी रे राजकुमार तेरे पाँव पड़ू तने जान बचा दी मेरी रे बहुत बड़ा एहसान किया मैं प्रभु चरण की तेरी ओ बहुत बड़ा सजनों रत्ना पद्म कुमार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जब राजा इंद्रजीत रत्ना के पिता को ये पता चलता है तो इंद्रजीत राजा क्रोध में गुस्से में होकर के कहने लगा जिसके घर गांव का पता नहीं जात पात का पता नहीं माँ बाप का पता नहीं एक लावारिस के साथ में मैं शादी कैसे कर दूं। सजनों रत्ना कहने लगी पिताजी ये मेरा एक परमेश्वर है जिसने मेरे को जीवन दान दिया है इसके अलावा संसार में मेरा कौन हो सकता है। सजनों रत्ना की जिद्दी के सामने राजा को झुकना पड़ गया। राजा पद्म कुमार को पूछने लगा भाई तू कौन है कहां का रहने वाला है मैं जानना चाहता हूं।
तो पद्म कुमार हाथ जोड़ करके उस राजा को अपनी बीती कहानी सुनाने लग जाता है। कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, बियाबान में फिरूं अकेला फिरता मारा मारा, बियाबान में फिरूं अकेला रे फिरता मारा मारा। कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, बियाबान में फिरूं अकेला फिरता मारा मारा, बियाबान में फिरूं अकेला फिरता मारा मारा। कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा, ओ बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। छतरी के घर जन्म लिया और पद्म कुमार है नाम मेरा, पुनर्जन्म की पुनम जन्म की खोटी करनी, छूट गया घर बार मेरा। हाँ, पुनर्जन्म की खोटी करनी, छूट गया घर बार मेरा। छोटे से की माता मर गई, रोता फिरूं बिचारा, बियाबान में फिरूं अकेला फिरता मारा मारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा, ओ बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। मेरे पिता ने जुल्म किया वो नार दूसरी लाया, मोसी माना सिखानी हो से घर से बार कराया, ओ मोसी माना सिखानी हो से घर से बाहर कराया। बियाबान जंगल में रहता साथ कराया हत्यारा, बियाबान में फिरता मारा मारा। कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा, ओ बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। तो पद्म कुमार अपनी बीती उस राजा इंद्रजीत को सारी कह सुनाता है। कहने लग गया, जल्लादू ने छोड़ दिया मैं साधु धोरे आया, उस साधु ने दया करी मेरा अच्छा लाड लडाया, ओ उस साधु ने दया करी मेरा अच्छा लाड लडाया। साधु जी भी स्वर्ग सिदारे में फिरता फिरूं आवारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। ओ कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, ओ बियाबान में फिरूं अकेला फिरता मारा मारा, ओ बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। जंगल के मारूं अकेला ध्यान हरि का धरा करूं, तीर चलाना सीख लिया मैं भजन भाव भी करा करूं, ओ तीर चलाना सीख लिया मैं भजन भाव भी किया करूं। उस लड़के ने इंद्रजीत को भेद बता दिया सारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा, बियाबान में रहूं अकेला फिरता मारा मारा। ओ कर्महीन को इस दुनिया में मिलता नहीं सहारा, ओ बियाबान में रहूं
सदनों, जब पद्म कुमार अपनी बीती सारी कहानी उस राजा इंद्रजीत को बताता है, पद्म की बात को सुनकर के राजा इंद्रजीत के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? राजा इंद्रजीत पद्म के पिता चंद्रभान का नाम सुनता था, इसलिए पद्म की बात पर राजा इंद्रजीत विश्वास करके अपने दूत के द्वारा राजा चंद्रभान को खबर पहुंचाता है। तुरंत राजा चंद्रभान अपने मंत्रियों सहित सुंदरगढ़ में राजा इंद्रजीत के यहाँ आते हैं। पद्म कुमार अपने पिता के चरण स्पर्श करता है। सारी बात का भेद जब खुलता है, इंद्रजीत राजा और चंद्रभान रत्ना और पद्म की बड़ी धूमधाम से शादी कर देते हैं। अब पद्म कुमार रत्नाबाई राजा चंद्रभान अपने देश को आ जाते हैं। रानी विद्यावती के जब पाप का भांडा फूट जाता है, राजा चंद्रभान विद्यावती रानी को कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन पद्म कुमार अपनी मौसी को मौत की सजा से बचा लेता है। और पद्म कुमार रत्नाबाई बड़े ठाट बाट से राज करने लग जाते हैं। सजनों, हमेशा धर्म की जीत होती है और पाप का नाश होता है। बोलो भगत और भगवान की जय। जंगल के मारूं अकेला, ध्यान हरि का धरा करूं, तीर चलाना सीख लिया मैं, भजन भाव भी करा करूं। ओ तीर चलाना सीख लिया मैं, भजन भाव भी किया करूं। उस लड़के ने इंद्रजीत को भेद बता दिया सारा, व्यापार में रहूं नहीं सहारा, बियाबान में रहूं अकेला, फिर तो मारा मारा। ओ बियाबान में